समधड़ी क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी में शनिवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया। सभा में कई अतिथियों ने शिरकत की। सभा के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। समधड़ी से सुनील दबे की रिपोर्ट। समधड़ी क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंतरी में शनिवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समधड़ी तहसील के भू अभिलेख निरीक्षक दिलीप वैष्णव, उप सरपंच हनुमान राम माली एवं ग्रामीणों व अभिभावकों ने सरस्वती माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सामुदायिक बाल सभा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक दिलीप वैष्णव ने कहा कि वर्तमान समय में सरकारी विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इससे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बेहतरीन बना है और इसके साथ ही विद्यार्थियों के आर्थिक, बौद्धिक, शारीरिक, व्यवहारिक और सामाजिक विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ भी विद्यार्थियों को मिल रहा है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुशील कुमार शर्मा ने 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों को विद्यालय में प्रवेशित करवाने की अपील की। साथ ही उन्होंने अभिभावकों एवं ग्रामीणों को विद्यालय से नियमित रूप से जुड़े रहने और विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में अपनी सहभागिता बनाए अपील की। जोहर जाने की जिन जोहर हो, दर्द की मारी बन बन डोलूं वेद मिलान को। पूजा है एक वो ही भगवान है, कोई और नहीं दूजा है। बाल सभा में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति कविताएं, देश के वीर जवानों के बलिदान की प्रेरणात्मक कविताएं, देशभक्ति गीत सहित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में सुरेश भाटी, तेजाराम सुथार, तान सिंह राजपुरोहित, सूजाराम मेघवाल, चिमनाराम चौधरी, गुमान सिंह राजपुरोहित सहित गाँव के मौजूद लोग व शिक्षक मौजूद रहे।